और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि यहां एक पाक जासूस मिलने की खबर है। आपको बताएं कि बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार आईएसआई की गतिविधियां या आतंक की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही इस बार खबर जैसलमेर से, जहां पाक जासूस पकड़े जाने की सूचना है। और इसके लिए एटीएस, बॉर्डर इंटेलिजेंस और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। आपको बताएं खेतुलोई गांव में जासूस को दस्तयाब करने की सूचना मिली है, संदिग्ध पकड़ा भी गया है, आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। और घटनाक्रम की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तानी जासूस है और ये संयुक्त कार्रवाई है एटीएस, बॉर्डर इंटेलिजेंस और पुलिस की, जिसमें खेतुलाई गांव से एक जासूस को पकड़ने की सूचना है, लेकिन पकड़ा गया संदिग्ध जो है उसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं कर पाई है। पुलिस, एटीएस और बॉर्डर इंटेलिजेंस की ये संयुक्त कार्रवाई और एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं उसको देखते हुए ये एक बड़ी कार्रवाई की ही जा सकती है। और पाकिस्तानी जासूस को पकड़े जाने के बाद कई और खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि अभी भी आपको स्पष्ट कर दें कि ये इस पूरे खबर पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पुलिस की तरफ से या एटीएस की तरफ से या बॉर्डर इंटेलिजेंस की तरफ से, लेकिन खबर ये मिल पा रही है कि एक संयुक्त कार्रवाई को, एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और उसमें एक जासूस पकड़ा गया है जिसे पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। और इसके पकड़े जाने के बाद बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं, बेहद बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध पकड़ा गया है वो आईएसआई का एजेंट है, लगातार सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि आपको बता दें कि नया साल सामने है और ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। पुलिस और एटीएस जो है वो लगातार बड़ी गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार है, चौकसी सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाया गया है। और इस बीच एक बड़ी कार्रवाई पुलिस, बॉर्डर इंटेलिजेंस और एटीएस की, एक पाक जासूस को गिरफ्तार करने की खबर।